नगर निगम कर्मचारी संघ मुरादाबाद के प्रतिनिधि मंडल ने नगर निगम के पार्षद प्रदीप शर्मा के खिलाफ कार्यवाही किए जाने की मांग को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात की एवं उन्हें एक ज्ञापन पेश करके पार्षद के खिलाफ कठोर कार्यवाही किए जाने की मांग उठाई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को पेश किए गए ज्ञापन में कहा गया है कि गत 28 जुलाई को आवास विकास गोल चक्कर बुद्धि विहार थाना मझोला में नगर निगम मुरादाबाद की सरकारी अधिकारी कर्मचारी आवेदन कब्जा उच्च न्यायालय शासनादेश अनुपालन में हटाए गए थे। आरोप है कि नगर निगम प्रशासन की टीम ने जब अवैध कब्जा हटाने का प्रयास किया तभी क्षेत्रीय पार्षद प्रदीप शर्मा ने तुरंत आकर अवैध कब्जा रुकवा दिया। जब नगर निगम प्रशासन की टीम ने पार्षद प्रदीप शर्मा से कार्य में बाधा डालने का कारण मालूम किया तो फिर प्रदीप शर्मा पार्षद नगर निगम प्रशासन की पूरी टीम अधिकारियों पर बुरी तरह बौखला गए और गंदी गंदी गालियां देने लगे। पार्षद पर यह भी आरोप है कि उन्होंने सरकारी दस्तावेज को भी फाड़ दिया था जिसके कारण अवैध कब्जा धारकों का हौसला बुलंद है। ज्ञापन के माध्यम से मांग उठाई गई है कि पार्षद प्रदीप शर्मा के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाए। ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए सफाई कर्मचारी नेता ओमी लाल बाल्मीकि एवं नगर निगम कर्मचारी संघ मुरादाबाद के अध्यक्ष मोहम्मद सुभान ने सिटी चैनल संवाददाता को संयुक्त रूप से बताया, ये सब आप जानते हैं कि आपने हमारी समस्याओं को पूरे समाचार पत्रों में खूब अच्छे तरीके से छापा। हम नगर निगम जनता की सेवा करने वाले लोग और हमारे माननीय पार्षद प्रदीप शर्मा जी ने जिस तरीके से हरकत हमारे अधिकारी और हमारे कर्मचारियों के साथ की है और उसके बावजूद भी हम लोगों ने FIR थाना मझोला में दर्ज कराई है, लेकिन अभी कोई उस बारे में थाना मझोला किसी कार्रवाई को करने के लिए आनाकानी कर रहा है। कई दिन के बाद हम लोगों ने सोचा कि चलिए माननीय कप्तान साहब से मिले, आदरणीय कप्तान साहब से जाकर के उनके संज्ञान में अपनी पीड़ा को बताएं कि नगर निगम कर्मचारी इस टाइम पर बहुत रोष में हैं इस घटना को लेकर के, जो एक पार्षद ने तमाम अधिकारी और कर्मचारियों के साथ बदतमीजी और बदतमीजी किया है। ऐसे हालातों में नगर निगम कैसे कर्मचारी और तमाम अधिकारी कैसे शहर के अंदर काम करें, जहाँ जनता को हम लोग सहूलियतें देते हैं सफाई से लेकर पानी से लेकर टैक्स से लेकर हाउस टैक्स से लेकर अन्य सुविधाएँ हम लोग नगर निगम द्वारा दी जाती है, लेकिन एक गुंडाई पर पार्षद उतर आए और वह इतनी गुंडाई कर दे कि जिससे कुछ हद हो गई है कि हमारे अधिकारियों पर आक्रमण करने लगा, हमारे अधिकारियों से बदतमीजी करने लगा और तो और जिस जमीन पर उसने अपने साथियों से कब्जा करा रखा था वो जमीन नगर निगम सरकारी थी, उस पर हमारे तमाम अधिकारी नगर निगम प्रशासन कब्जा हटाने के लिए गया था, लेकिन उस कब्जे को हटाने के बजाय उस पार्षद को हमारा सहयोग करने के बजाय उन भूमाफियों का सहयोग करा जिन्होंने पहले से नगर निगम के स्थान पर सरकारी जमीन पर उन्हें कब्जा कर रखा था। इसलिए आज हम माननीय अपने आदरणीय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से आज हम तमाम संगठन के लोग मिले और जितनी भी घटनाएं हुई हैं और जो आज भी धमकी और जिस तरीके से बदतमीजी की जा रही है आज भी नगर निगम कर्मचारियों के साथ में और अधिकारियों के साथ में, उसकी जानकारी देने के लिए हम वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय से मिले। शॉप नहीं मजबूरी है, अब हड़ताल जरूरी है। आपको विदित होगा पिछले 6 दिन से माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों पर ग्रीन बेल्ट से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा चालू की गई थी। उसमें हमारे माननीय पार्षद श्री प्रदीप शर्मा जी ने बीच में रोड़ा अटकाया और उसमें बाधा डाली और मेरे एक इंस्पेक्टर के हाथ में जो चालान बुक था उसको भी फाड़ा, जो राजस्व की बुक है जिसमें हम जुर्माना करते हैं, जिसमें टैक्सों की वसूली करते हैं। नगर निगम कर्मचारी संघ, नगर निगम परिवार और हमारा सदन, मैंने तो हमेशा एक ही माना है, माननीय पार्षद गण हमारे अभिन्न अंग हैं। अगर हम लोग आपस में ही एक दूसरे के ऊपर इस तरह की बातें करेंगे, हम विकास करते हैं तो हमारे माननीय पार्षद जी के क्षेत्र में उनका नाम होता है, लेकिन वो नाम होता है मेरे कर्मचारियों के द्वारा कराए गए विकास पर। अभी मैं अखबारों में पढ़ रहा हूँ रोज़ाना कि वो कह रहे हैं कि नगर निगम के क्षेत्र नहीं था और नगर निगम अतिक्रमण करने चला गया। नगर निगम मुरादाबाद में आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि उस रोड पर जहाँ अनाधिकृत रूप से ईंटों को बेचा जा रहा था वहाँ 4 लाख रुपये का काम नगर निगम मुरादाबाद के द्वारा कराया गया है, तो यकीनन वो हमारा क्षेत्र है, तो ये चीज़ उचित नहीं है।
मैं अनुरोध करूंगा हमारे माननीय महापौर जी से कि 6 दिन से ये प्रकरण चल रहा है और आज तक भी कोई उन्होंने ना बुलाने की कोशिश करी, हमने उनको ज्ञापन भी दिया है। मैं पुनः कहता हूं इस मीडिया के माध्यम से कि हमारे उच्च अधिकारी इस जो उग्र आंदोलन लेने जा रहा है अभी ये प्रकरण, चूँकि हम लोगों ने नौकरी के लिए अपने ज़मीर का समझौता नहीं किया है। सेवा नियमावली में कहीं ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है अपनी माँ बहन बेटियों की गाली सुनो, ये कृत्य कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। नगर निगम कर्मचारी संघ इसकी निंदा करता है। प्रतिनिधि मंडल में मोहित चौहान, राजू भाई अम्बेडकर एवं प्रेम बाबू वाल्मीकि वगैरह भी शामिल रहे।